अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू वन फार्मेटिक विद एमके। और आज हम डिस्कस करेंगे होमोलॉजी मॉडलिंग के डेटाबेसिस को कि हमारे पास जो है 3D स्ट्रक्चर जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तो हम किस तरह प्रेडिक्ट करते हैं और उसके लिए कौन कौन से रिसोर्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3D स्ट्रक्चर प्रोडक्शन के लिए वी नीड द फास्टर सीक्वेंस विच वी कैन रिट्रीव फ्रॉम द डिफरेंट डेटाबेसिस सच इज NCBI, यूनिप्रोड एंड सिंबल। This database is the big database of the bioinformatics world. So what we can do, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो faster sequence है उसे copy करते हैं और उसे फिर different databases में जो है वो paste करके उसका structure predict करते हैं। तो ये कुछ databases हैं जो कि हम मैंने board पे लिखे हैं कि हम इससे हम जो है अपने 3D structure के prediction easily कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है modeler। modeler हमारे पास एक software है। सबसे पहले आप उनको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड होने के बाद आप उसको ईमेल करोगे। इसमें एक फॉर्म आता है, इस ईमेल में जब आप भरोगे तो उसके बाद वो रीसेंट होगा और उसको लाइसेंस की आप वो भेजेगा। लाइसेंस की डालने के बाद जो है आप वो मॉडलर को फर्दर यूज़ कर सकते हैं 3D स्ट्रक्चर के लिए। सेकंड नंबर है हमारे पास आइट्रेजर। आइट्रेजर हमारे पास जो है जंग सर्वर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर की जो है वो सर्वर है और ये हमारे पास बहुत वैलिड जो है रिजल्ट देते हैं। आजकल जो है एड्रेस और मैटर मोस्टली यूज़ होते हैं। एड्रेस में क्या करना है कि यही फास्टर सीक्वेंस जो है वो रिट्रीव करना है NCBI या एनसिम्बल यूनिप्रोट से ये पेस्ट करना है। अब एड्रेसर में ये ज़रूरी है कि आपके लिए ये ईमेल की मांग करता है लेकिन जो नॉर्मली आपका जीमेल आईडी है वो नहीं इसमें एंटर होता। ये जो एजुकेशनल ईमेल है उसकी डिमांड करेंगे वो एजुकेशनल में जिस इंस्टीट्यूट में आप स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में उस यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है वो आपके साथ होना चाहिए तो भी जो है वो आप एड्रेसर को यूज़ कर सकते हैं। एड्रेसर की एक खूबी ये भी है कि एड्रेसर में जो है वो साइट बाइंडिंग साइट जो है साथ में ये भी प्रेडिक्ट करते हैं और जितने होप है हेलिक्स है क्वाइल्स है लूप्स है सब जो है एक अच्छा रिजल्ट्स के साथ जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं। उसके साथ इसमें जो है टेम्पलेट जो है तकरीबन 10 टेम्पलेट जो है बेस्ट टेम्पलेट जो है आपको सर्च करके आपको रिजल्ट में भेज देगा। इसका रिजल्ट जो है हमारे पास 1 वीक तक जो है आप बाई इंस्टीट्यूट ईमेल के थ्रू जो है वो रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है रेप्टोरिक्स है। रेप्टोरिक्स जो है आपसे जो है एक नॉर्मल जीमेल के थ्रू जो है उसका रिजल्ट जो है वो आप जो है रिट्रीव कर सकते हैं और फर्स्ट सीक्वेंस उसमें भी लगता है। देखिए आप हमारे पास जो है किसी भी प्रोसेस के लिए बर्न फॉर्मेटिक किसी भी प्रोसेस मोस्टली हमारे पास वी नीड टू फास्ट सीक्वेंस अलॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म बट वी नीड टू डाउनलोड द सीक्वेंस इन द फास्ट फॉर्म इफ यू कॉपी डायरेक्टली इफ यू डाउनलोड सो वी नीड द फास्ट सीक्वेंस फॉर्मेट। द नेक्स्ट इज प्राइम। प्राइम इज ऑल्सो a database for the predict 3D structure of protein is online so resources you can gain the result. Pyra2 is also online and Pyra2 में हम क्या कर सकते हैं कि अपने जो results है वो तकरीबन एक ओवर में जो है हमें results देता है। एक ओवर में हमारे पास जो 3D structure of protein है उसके साथ templates जो है templates के साथ जो है हमारे पास result देते हैं। लेकिन अगर आपको email की through आपको चाहिए कि आप हमारे result जो है वो मुझे email gmail id पे आए तो इसके साथ हमारे पास जब आप फर्स्ट सीक्वेंस को इनपुट करोगे तो सर्च में साथ में लिखा है कि ईमेल आईडी तो उस पर आप ईमेल आईडी को जब एंटर करोगे तो तकरीबन एक आवर में जो आप है आप रिजल्ट गेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्विस मॉडल। स्विस मॉडल हमारे पास एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर है लेकिन इसमें ये होता है कि जब आप इसमें फर्स्ट इनपुट करते हैं तो जो फॉर एग्जाम्पल लूप्स होते हैं क्वाइल्स है, ये ऑटोमेटिकली उसको डिलीट करके एक स्पेसिफिक टेम्पलेट के मॉडल जो है वो आपको देते हैं। ऑनलाइन भी होते हैं और इसमें जब आप ईमेल एंटर करोगे तो ईमेल में भी जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। इसकी ईमेल का टाइमिंग जो है हमारे पास तकरीबन 10 से 20 मिनट तक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसाइड है। प्रोसाइड भी हमारे पास एक ऑनलाइन टूल है जिसमें हम प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर प्रो मॉडल है हमारे पास। प्रो मॉडल जो है उसमें आप मैन्युअली फंक्शन कर सकते हैं अगर आपको अपने टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है कवरेज स्कोर के साथ चाहिए इस जितना टेम्पलेट का कवरेज स्कोर ज़्यादा होती है तो वही हमारे पास गुड टेम्पलेट हो गए। सी स्क्वेयर हमारे पास स्कोर जो है वो ज़्यादा होता है तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जो अपना टेम्पलेट है वो मैन्युअली जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा हमारे पास उसकी टाइमिंग जो है हमारे पास क्या
टाइम हमारे पास इसका जो है 1 से 2 वीक तक लगते हैं, एट्रेसर का हमारे पास जो है 1 वीक तक लगते हैं, या रेप्टारक्स की भी जो हमारे पास 1 वीक जो है हमारे पास उसका रिजल्ट्स आते हैं। प्राइम का जो है 3 to 4 days में आते हैं, फिर पैरा 2 में 1 hour तक जो है इसका जो है रिजल्ट हमारे पास आप गेन कर सकते हैं। और इसके बाद स्विस मॉडल है, स्विस मॉडल के रिजल्ट जो है तकरीबन आपको 15 to 20 minutes जो है आपको रिजल्ट आप आ सकते हैं। प्रोसाइड है, प्रोसाइड के हमारे पास तकरीबन आधे घंटे में आपको जो है रिजल्ट आप गेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोमॉडल है, प्रोमॉडल जो है 1 वीक तकरीबन आप इसकी जो रिजल्ट्स है वो आपको बाय ईमेल जो है वो आपको आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कुछ डेटाबेसिस थी जिसमें हम थ्री स्ट्रक्चर जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं इजीली, जो है हमारे पास जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जारी रहे। थैंक यू।